सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। तो गाइस, अभी मैं फिलहाल आया हूं जूडियो पे, जो हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पे सिर्फ तीन ही है। और अभी मैं आया हूं नागालैंड पे, और जूडियो का जो ऑनर है, टाटा ग्रुप का ऑनर है, तो यहाँ पे सुना हूँ बहुत ही अच्छा, बहुत ही किफायती दाम में, बहुत सस्ता दाम में यहाँ पे अच्छा मटेरियल मिलता है। जो क्लॉथ जो है, क्लॉथ हो या पेन, हाफ पेन, चप्पल, स्लीपर, जो कुछ है, सब कुछ अच्छा दाम में मिलता है। तो अभी जाके हम भी इसको देखेंगे क्या कितना रेट में मिलता है। तो आप लोगों को भी ले साथ में लेके चले, तो चलिए अंदर में चलते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे। और मेरा साथ आया हुआ है मामून। मामून तो हमेशा मेरा साथ में रहता ही है। तो अभी अंदर जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे जितना है सब लेडीज सेक्शन है, और बॉयज़ का सेक्शन मतलब जेंट्स का सेक्शन ऊपर में है। आप ऊपर में जाएंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मामून कुछ कुछ ले रहा है, यहाँ पे मतलब ले नहीं रहा है, देख रहा है अभी क्या लेगा। कुछ लेना है क्या, दाम कैसा है यहाँ पे लेडीज का हिसाब से दाम कैसा है, विवास को थोड़ा बता दीजिएगा। चलो देख लीजिए उसका बाद। तो गाइस, अभी जेंट्स सेक्शन ऊपर में है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जेंट्स सेक्शन में, तो देखते हैं जेंट्स सेक्शन में कैसा। तो गाइस, अभी यहाँ पे हम लोग आटे ही जूडियो का परफ्यूम आप लोग देख सकते हैं, इसका थिकनेस कैसा है, अच्छा है, मेंस है ये, बहुत अच्छा है ये मेंस ना। और इसका दाम आप लोग देख सकते हैं, ये वो 99 का और ये 99 वाला है, और ये साइड में सेक्शन का है आपका 299। अभी हम लोग यहाँ पे जेंट्स सेक्शन में आ चुके हैं, और आते ही यहाँ पे एक जो शर्ट है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा कूल टाइप में शर्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल भी इतना अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसको हम अभी एक बार ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद देखते हैं। और दाम भी देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम दाम है, यहाँ पे 599। और शर्ट का जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा है, तो इसका फटाफट अभी जाके यहाँ पे ट्रायल रूम में ट्राई करते हैं और देखते हैं एक बार कैसा है। तो गाइस, हमें कार्गो का हाफ पेन भी देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। मतलब आप लोगों को इतना वीडियो में मालूम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे क्वालिटी दिया गया है। तो शूज भी देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पे रेट देखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखते हैं 999 का शूज है, और ये देख सकते हैं आप लोग, और इसका भी रेट देख सकते हैं आप लोग 999। और यहाँ पे भी आपका बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन का यहाँ पे शूज़ है, और वाइट स्नेकर भी है, स्नेकर का देखते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं स्नेकर का 799 का भी है। और ये शूज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसका दाम भी देखते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग 799। और यहाँ पर भी है, सब रनिंग शूज़ है यहाँ पर, और ये रहा इसका भी, ये भी 799। तो गाइस, काफ़ी यहाँ पे शूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है। मैंने दो एक पेंट लिया, हाफ पेंट, और एक जो शर्ट होल लिया, आप लोगों को मालूम ही चल चुका होगा। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे, क्वालिटी भी अच्छा है। जिसका जिसका घर का पास है, जिसका सिटी में जूडियो हो, एक बार जाके ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं भी यहाँ पर अभी देख रहा हूँ और क्या ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दाम में यहाँ पर मिला है। लेकिन अभी यहाँ पे स्टॉक बहुत ज़्यादा कमती है, स्टॉक आने वाला है। यहाँ पर अभी मामून कुर्ता देख रहा है। मामून, कुर्ता का कैसा लग रहा है रेट? और किसका दाम? 299 बस बस गाइस। सो गाइस, देख सकते हैं 299 में यहाँ पे कुर्ता भी मिल रहा है पहनने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। और इसका कपड़ा जो क्वालिटी है बहुत सॉफ्ट है ना, पूरा प्योर कॉटन है ना। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर बाहर में मार्केट में लेंगे तो कितना गिरेगा ऐसी? मिनिमम 500 ना, तो आधा प्राइस में आपका 50% मतलब कमती दाम में यहाँ पे मिल रहा है। सो गाइस, मैं तो ले चुका हूँ, अभी ये भी देख रहा है अपना कपड़ा, देख रहा है क्या लेना है क्या नहीं ले रहा है। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं नेल पेंट भी मिलेगा यहाँ पे, और ये रहा नेल पेंट के सेक्शन, और यहाँ पे ये रहा। वीडियो के बारे में आप कुछ बताने चाहते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब जितना प्राइस है ना उसके हिसाब से, मतलब सामान का क्वालिटी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? हाँ, बहुत अच्छा। अब देखते हैं यूज करने के बाद पता चलेगा कि कैसा है क्या है। अच्छा, लेकिन पहले, लेकिन कपड़ा अगर अपन बाहर से देखे तो बाहर जितना भी मॉल है उनमें से बहुत अच्छा है। है किसका, हम लोग का सबसे फेवरेट रतन टाटा जी का है, और ये आप लोग सबको पता ही होगा शायद, ये जो जूडियो जो ओनर, जो मेन जो ओनर है, रतन जी का है। सो गाइस, अभी हम लोग मॉल से निकल के बाहर आ चुके हैं। सो अभी दिन का बज रहा है 2, और बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, तो हम लोग अभी जा रहे हैं एक नागा का होटल पे, जो नागा लोकल डिश यहाँ पे मिलते हैं, तो लंच करेंगे वहाँ पे जाके। सिंपल सा होता है, कोई मसाला नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। हम लोग काफ़ी बार खा चुके हैं, तो आज भी वहाँ पे जाके खाएंगे। तो चलिए जाके अभी
अंदर फिर चलते हैं फटाफट से और यहाँ पे जाएंगे हम लोग। गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हैं खाना वाना आ चुके हैं और ये रहा नागा लोकल जो लोकल जो राइस है ये है और ये रहा मतलब गोल चटनी और ये रहा आखोनी। आखोनी होता है एक दाल का है, दाल को थोड़ा सा यहाँ पे हाँ फार्मिंग किया जाता है उसका बाद सूखा के वो बना जाता है। इसमें थोड़ा सा खुशबू आता है जो खुशबू शायद आप लोगों को पसंद नहीं आता होगा लेकिन हम लोगों को यहाँ का नोटिस का आदमी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चाव से खाते हैं। और ये रहा आपको और ये रहा यहाँ का लुकी मुर्गी है और यहाँ पे नींबू यहाँ पे जो दाल बोल है करेला ना और ये गाइस यहाँ पे दाल बॉयल और ये करेला सब्जी जो है मिक्स मिक्स सब्जी है और मिक्स सब्जी को बॉयल किया जाया है और यहाँ पे ज़्यादातर बॉयल ही दिखाई देगा कोई मसाला नहीं है। सो गाइस अभी हम लोग फटाफट से खाना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और खाना देखने के बाद ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हम। सो गाइस फटाफट खाना वाना खा लेते हैं उसका बाद फिर से मिलेंगे। तो हे गाइस हम लोग अभी लंच वंच करके अभी हम लोग आए हैं नागालैंड का बहुत ही ज़्यादा बड़ा तो नहीं बोल सकते लेकिन नागालैंड का एक जू पे जहाँ पे एनिमल उनिमल बहुत सारा है तो देखेंगे अभी आके। और मैं आज फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ गाइस और यहाँ पे बहुत सारा आदमी आया हुआ है नागालैंड जूलॉजिकल पार्क। तो अभी हम लोग अंदर पे जाएंगे देखेंगे क्या क्या एनिमल है। टिकट यहाँ पे काटना पड़ेगा, काट के अंदर में जाएंगे अभी। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे टिकट भी ले चुके हैं और एक टिकट एक पर पर्सन का 20 रुपीज़ करके, तो हम लोग दो आया है इसलिए 40 रुपीज़। और जो कार का पार्किंग है यही रहा 20 रुपीज़ और ये जो नंबर है मेरा गाड़ी का नंबर है। सो गाइस अभी अंदर चलते हैं फटाफट करके और देखते हैं जू को अच्छे तरीके से। तो गाइस अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जब आए तो फास्ट जब हम लोग देखे तो यहाँ पे ये कौन सा बंदर है बोले सो एक बंदर है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हुआ है आराम से बैठा तो गुस्सा से वो हम लोग को देख रहा है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये किसी ने बहुत बड़ा गलती किया है और यहाँ पे सिगरेट जो है जलाया हुआ सिगरेट यहाँ पे दिया गया है तो ये बहुत बड़ा गलत है। हम आप लोग दिखाता हूँ सिगरेट दिया गया है कोई किसी ने दिया था यहाँ पे देख सकते हैं ये सिगरेट दिया गया बहुत बड़ा गलती है यहाँ पे। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संगाई डियर और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 बैठा हुआ है ये सबसे बड़ा वाला ये है शायद ना। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक बियर और यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा होगा शायद सो उसका खेप रहा है हा कर रहा है सो तो उसको क्या बोलता है हिंदी वर्ड में तो मुझे भी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है तो इसलिए मैं खेप रहा है बोला तो हा है वही वाला। और यहाँ पे एक है दो है और इधर में एक तीन सोया हुआ है सो ये देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस ये जो है धोले बोलते हैं इसको इंग्लिश में वाइल्ड डॉग और इसको मैं देखा हूँ नॉन स्टॉप ये दौड़ रहा है इतना एनर्जी कहाँ से है पता नहीं नॉन स्टॉप वो ऐसे कर ही रहा है रुकता नहीं है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डॉग है धोला धोले बोलते इसको और ये रहा। सो गाइस अभी हम लोग वहाँ से देख के अभी दूसरा तरफ जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा है लेकिन ज़्यादा एनिमल यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमती है कुछ ज़्यादा था नहीं है लेकिन देख रहा हूँ दूर दूर में कैमरा से मैं ज़्यादा नहीं फोकस कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर दूर पे है। अभी और जा रहा हूँ यहाँ से नीचे पे और यहाँ पे क्या है देखते हैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आदमी आया हुआ है और ये साइड में भी है बहुत सारा आदमी है और अब देख सकते हैं यहाँ पे गाइस ये क्या नाम है गाइस। सो ये भी देख सकते हैं क्या नाम है इसका नहीं पता है आपको पता नहीं है टाइगर का कोई चला गया अभी यहाँ पे है। सो गाइस यहाँ पे हॉर्नबिल है और दिखाई नहीं दे रहा है अभी यहाँ पे है कहाँ बताऊँ उसका वो अंदर पे है तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं हम लोग पूरा लाइव फास्ट से देख रहा हूँ। सो ये है इमो। सो गाइस ये रहा इमो देख पा रहे हैं आप लोग कितना अच्छा अच्छा चल रहा है यहाँ पे। सो और रहा और एक वहाँ उधर पे है। सो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने के लिए कौन सा चीज़ ये है ये चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जब भी कोई भी एनिमल देख रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज से देखने पा रहा हूँ सो इसलिए मज़ा आ रहा है देखने के लिए। सो अभी इधर पे लेपर्ड है तो लेपर्ड देखने जाएंगे इधर में सो अभी चलेंगे लेपर्ड देखने के लिए। सो गाइस अभी यहाँ पे आया था लेपर्ड देखने के लिए लेकिन लेपर्ड तो मिला नहीं क्योंकि लेपर्ड गया अभी लंच करने के लिए क्योंकि लंच का टाइमिंग है और शायद उन लोगों का अभी वहाँ पे अंदर पे चिकन उकन दिया गया है तो अंदर चला गया तो अभी उसको दिखा नहीं पाएंगे। सो अभी इससे आगे जाएंगे और क्या देखने मिलता है तो चलिए और आगे चलते हैं अभी। सो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हैं फॉक्स मतलब लोमड़ी और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गंद भी आ रहा है गाइस बहुत ज़्यादा ऐसे आ रहा है कि सुअर जैसे रहते हैं ना गाइस सुअर का जैसे ही थोड़ा गन आ रहा है और अंदर पे अभी घुसा हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे बाहर भी नहीं आ रहा है। सो दो तीन अंदर पे है तो यहाँ से अभी यहाँ पे हमको चलाक लोमड़ी हम लोग को दिखाई दिया बहुत ही ज़्यादा चलाक। सो अभी यहाँ से आगे जाएंगे और फिर से ऐसे घूमते घूमते जा रहे हैं हम लोग गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इतना सा बड़ा टाइगर यहाँ पे नॉर्मल में फ़ोन में या वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं चलेगा लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और उसका सामने गिरा है उसका लंच मतलब चिकन दिया गया है ओ माय गॉड
इसका अंदर चला गया तो मेरा लंच तो उसका एक सप्ताह के लिए आराम से हो जाएगा। बहुत बड़ा है ना भाई। हाँ, कहाँ से आया है? हम डीमापुर से। डीमापुर से आया है, अच्छा। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है। सो आपको भी देखना है क्या? हाँ। चलिए यहाँ पे उठ के देखना पड़ेगा क्योंकि बाबू तो। सो गाइस, हम लोग अभी पीछे से देख रहे हैं लेकिन आगे पे बहुत बड़ा ऐसे एरिया है देखने के लिए उसको, लेकिन वो जो है जो टाइगर है अंडर में बैठा हुआ है, इसलिए हम लोग पीछे से देखा हुआ है, लेकिन देखने के लिए आगे से है, लेकिन इधर से भी हम लोग जा सकते हैं, तो इसलिए हम लोग पीछे से, मतलब पीछे से उठ के देख रहे हैं यहाँ पे। सो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आगे में नहीं निकल रहा है, इसलिए हम लोग पीछे में आके पीछे से देख रहे हैं यहाँ पे। गाइस सब लोग देख पा रहे हैं, इधर से भी सब लोग देख रहे हैं। तो भाई लोग कहाँ से है? सब लोग दिमापुर से। सब दिमापुर ना। चलो चलो चलो। सो गाइस, अभी हम लोग घूमते घूमते थक गए हैं, जितना जेका एनिमल देख पाए तो आप लोगों को भी दिखाया, हम लोग भी खुद भी देखें। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो जो यहाँ पे आने चाहते हैं तो दिमापुर अगर कभी आप लोग विजिट करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आइए और घूमिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। आदमी भी बहुत सारा है आज, क्योंकि आज ईद का दिन है इसलिए और ज़्यादा आदमी है यहाँ पे, और अगर संडे का दिन में आएंगे तो संडे का दिन में भी बहुत ज़्यादा आदमी यहाँ पे होते हैं। सो बाय बाय, तब तक के लिए आपने ख्याल रखिएगा। टाटा।